नमस्कार दोस्तों, री एजुकेशन आई एस अकेडमी में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में हम लोग सर्वोच्च न्यायालय या भारत के उच्चतम न्यायालय से संबंधित विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं में पूछे गए सवालों को हल करेंगे। इसके पूर्व में हमने इस पर तथ्यात्मक एवं अवधारणात्मक स्तर पर दो वीडियो लेक्चर अपलोड किया हुआ है, जिससे सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जा सकता है। लेकिन इस पे अभ्यास में हम उन सवालों को सम्मिलित करते हैं जो पूर्व में विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, जिससे उनसे संबंधित पूछे जाने वाले सवालों के बारे में एक स्वस्थ वैचारिकी का आपके पास विकास हो सके। तो आइए हम लोग एक एक करके इन सवालों को हल करने का प्रयास करते हैं। पहला सवाल है कि भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या स्वीकृत है। यहाँ पर यह ध्यान में रखना है कि इसमें 20, 25, 30 और 31 का विकल्प दिया गया है, लेकिन वर्तमान में ये सवाल पूर्व में पूछा गया था और 2019 में इसमें संख्या में बढ़ोतरी की गई और वर्तमान समय में यहाँ पर 34 जो है न्यायाधीश, कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 निर्धारित की गई है। पूर्व में जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय भारतीय संविधान में के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में केवल 8 न्यायाधीश थे, 1956 में बढ़ा के 11 किया गया। इसी तरीके से समय समय पर जैसे जैसे सर्वोच्च न्यायालय के कार्य का दायरा बढ़ता गया, इसके न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जाती रही। वर्तमान समय में 2019 में किए गए संशोधन के अंतर्गत इसकी संख्या जो है 34 है और इसके न्यायाधीशों की संख्या संसद के द्वारा बढ़ाई जाती है। अगले सवाल पर हम आते हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1950 के अधिनियम के द्वारा, 47 भारतीय संविधान के द्वारा किया गया था, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जब संविधान लागू किया गया तो उसके अंतर्गत अनुच्छेद 124 में इसका प्रावधान किया गया था और उसी के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। उसके पूर्व में संघीय न्यायालय हुआ करता था, जो कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत बनाया गया था, लेकिन यहाँ पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय की बात कही गई है, इसलिए विकल्प संख्या यहाँ पर डी सही है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था, कौन सा कथन पूछा इसमें सही नहीं है। और सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जा सकती है, सही है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर के अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है, सही है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी जो है उच्च न्यायालय के सुनवाई कर सकता है, ये गलत है, क्योंकि भारत में जो कोर्ट मार्शल है वो एक अलग प्रकार का न्यायालय है, एक विशिष्ट प्रकार का न्यायालय है, जो सैन्य जो व्यवस्थाएं हमारे देश में है, जो मिलिट्री पर्सन है उन मिलिट्री पर्सन से संबंधित किए गए अपराधों के संदर्भ में सुनवाई करते हैं। इसमें कुछ युद्ध बंदियों के संदर्भ में भी सुनवाई की व्यवस्था होती है और उसके निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय या न्यायालयी जो व्यवस्था है, सिविल कोर्ट जिसको कहा जाता है, उसको अलग कर दिया गया है। उसके निर्णय के विरुद्ध अपील केवल राष्ट्रपति के पास जो है किया जा सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे विकल्प संख्या डी जो है सही होगा, इसका सही उत्तर विकल्प संख्या डी होगा, यद्यपि उत्तर में यहाँ पे जो है सी लगाया गया है, लेकिन विकल्प संख्या डी यहाँ पे सही उत्तर होगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की सख्त निहित है, संसद के पास है, संसद जो है आर्टिकल 138 के अंतर्गत इस तरीके की व्यवस्था कर सकता है और यह संघ सूची के विषयों पर इसकी शक्ति को जो है बढ़ा सकता है, इसलिए विकल्प संख्या बी इसमें सही उत्तर होगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकता है। अगले सवाल, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार के हटाए जाते हैं, मुख्य न्यायाधीश द्वारा नहीं, राष्ट्रपति द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर, क्योंकि यहाँ पर संसद के दोनों सदनों से अलग अलग उस संकल्प या विधेयक को जो पारित किया जाता है उस प्रस्ताव के पारित होने के बाद ही वह राष्ट्रपति के पास जाता है और उसके साइन करने पर ये न्यायाधीश हटाए जा सकते हैं। अगला सवाल है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं, संसद द्वारा, ये विकल्प संख्या डी, संसद के द्वारा, वही पूर्व वाले प्रश्न से है, महाभियोग द्वारा पारित प्रस्ताव के। यहाँ पर एक प्रश्न ये भी बनता है कभी कभार कि महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो भारतीय संविधान में केवल केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए दिया गया है, यद्यपि प्रश्न में विभिन्न प्रकार के आयोगों के द्वारा इस तरीके के गलत
विकल्प बना दिए जाते हैं और ऐसी स्थिति में प्रश्न विवादित हो जाता है, क्योंकि जब हम अवेयर एक्ट पढ़ते हैं जो कि आर्टिकल वाइज भारतीय संविधान की व्यवस्था को बताता है, वहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ कि महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो राष्ट्रपति के लिए है, जिसमें उपस्थिति से कोई तात्पर्य नहीं होता है। उपस्थित के साथ साथ जो है संपूर्ण सदस्य संख्या के विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, यानी कि जो संख्या है उसकी विशेष बहुमत से उसे पारित होना आवश्यक होता है। और यह विशिष्ट प्रावधान केवल राष्ट्रपति को पद से हटाने के संदर्भ में है। हाँ, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इसी तरीके से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इन सभी पदों को जो है हटाने के लिए साबित कदाचार एवं अक्षमता का आधार उल्लिखित होता है। यद्यपि विकल्प के अनुसार यहाँ पे डी सही उत्तर होगा। अगले सवाल पर हम चलते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष है। बाद में जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की भी जो है सेवानिवृत्त आयु जो है बढ़ाकर 65 वर्ष ही कर दिया गया है। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण जो है संसद के द्वारा किया जाता है। कोई भी नीतिगत स्तर पर जो परिवर्तन और कोई भी विधि बनाने की अगर बात होगी, विधि बनाने की, तो वो संसद के द्वारा ही जो है किया जाएगा। तो इस सवाल का सही उत्तर जो है विकल्प संख्या सी यहाँ पर होगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा हेतु क्या प्रावधान है। भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा हेतु क्या प्रावधान है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार करना पड़ता है। सही है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया जा सकता है। ये गलत है, क्योंकि इसमें संसद के द्वारा पारित प्रस्ताव और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से हटते हैं। न्यायालयों न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित नीति पर आरोपित होता है, जिसमें मत नहीं दिया जा सकता। ये भी सही है। अगला है, भारत के उच्चतम न्यायालय के अफसरों और कर्मचारियों की सभी नियुक्तियां सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के पश्चात ही की जाती हैं। यहाँ पर 1-3 विकल्प संख्या 1 और 3 सही है, 2 और 4 जो है वो गलत है। इस तरीके से विकल्प संख्या ए यहाँ पर सही होगा, क्योंकि 1 और 3 यहाँ पर दोनों ही जो सही है, क्योंकि ये स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए जो है ज़रूरी है। क्योंकि यदि हम वेतन पर चर्चा करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है उनकी स्वतंत्रता और स्वायत्तता जो है प्रभावित होगी। नियुक्ति की प्रक्रिया में भी मुख्य न्यायाधीश से विचार किया जा रहा है, तो ये भी एक जो है स्वस्थ प्रक्रिया है। तो कुल मिलाकर के इस आधार पर जो है 1 और 3 विकल्प संख्या यहाँ पे सही है। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, जब मुख्य न्यायाधीश है तो जाहिर सी बात है कि वो राष्ट्रपति के द्वारा ही जो है होगा। तदर्थ न्यायाधीश और सेवानिवृत्त न्यायाधीश, क्योंकि उस स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश वहां पर होता है, तो उस स्थिति में वो मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ही किया जाता है। लेकिन जब कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की बात है, तो अर्थात कहने का मतलब मुख्य न्यायाधीश है ही नहीं, तभी तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जो है बात हो रही है, तो ऐसी स्थिति में वो राष्ट्रपति करेगा। लेकिन जब मुख्य न्यायाधीश होगा और उसके बाद जो है तदर्थ न्यायाधीश जो कि कोरम पूरा करने के लिए और सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो कि कार्य की अधिकता के लिए नियुक्त होगा, तो वो राष्ट्रपति की जो है अनुमति से मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर विकल्प संख्या सी सही है। अगला सवाल है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से जो है परामर्श करने के बाद। ये तो पूर्व में भी ये क्वेश्चन जो है हम लोग हल कर चुके हैं, तो विकल्प संख्या जो है डी यहाँ पे सही उत्तर होगा। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, अभी पूर्व में हमने बताया कि न्यायाधीशों के सत्र के जो है कोरम गणपूर्ति को जो है पूरा करने के लिए जो है इनकी जो नियुक्ति की जाती है, जबकि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वो कार्य की अधिकता के लिए जो है किया जाता है। अगले सवाल की तरफ, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान जो है वो सर्वोच्च न्यायालय में तो है ही है, तो विकल्प संख्या ए ही सही होगा। और सर्वोच्च न्यायालय के साथ किसी अन्य में जो है ऐसा प्रावधान नहीं किया गया, सत्र न्यायालय और जनपद न्यायालय में होता नहीं, तो यहाँ पर विकल्प संख्या ए ही इसका जो सही विकल्प होगा।
अगला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय के उस मंडल में जो कि सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या की नियुक्ति की अनुशंसा करता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त तो कुछ अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, ऐसे न्यायाधीश जो इस मंडल के सदस्य होते हैं उनकी संख्या 4 जो है होती है। उच्चतम न्यायालय में अगले सवाल, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन इंटरप्रिटेशन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए, ये तो पूर्व में भी सवाल आ चुका है, UPSC 2012 के प्री में जो है भी क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, विकल्प संख्या डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आता है, ये मूल अधिकारिता के अंतर्गत, क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच में जो विवाद उत्पन्न होते हैं उससे संबंधित मामले वो जो है उससे संबंधित मामले राज्यों के हाई कोर्ट में नहीं लाया जा सकता, आर्टिकल जो है 131 के अंतर्गत ये जो व्यवस्था की गई है किसी मूल अधिकारिता के अंतर्गत जो है सर्वोच्च न्यायालय में ही लाया जा सकता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं, भारत सरकार एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद, चाहे जवाब सही है, संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव नहीं है तो हाई कोर्ट में भी लाए जा सकते हैं, भारत सरकार किसी संघ राज्य क्षेत्र ये भी नहीं है, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद है, अर्थात 1 और 4 विकल्प संख्या सी यहाँ पर सही होगा। अगला सवाल है, उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी है, दूसरी खंडपीठ अब तक किसके केस में बनी है, तो ये गोलकनाथ केस की जो विवाद में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद 1967 में जो बनी थी जिसमें 11 न्यायाधीश थे, और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद जो कि 1973 ईस्वी में बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस डिसीजन में लिया गया था, इसमें न्यायाधीशों की टोटल संख्या जो है 13 थी, तो कुल मिलाकर के अगर दूसरा पूछा गया है तो गोलकनाथ विवाद बनाम पंजाब राज्य ये 1967 में आया हुआ था। अगला सवाल है कि मूल इसमें यह बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय ने कब यह धारणा प्रस्तुत की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे अच्छा लगे उसी तरीके से जिंदगी जीने के लिए सक्षम बनाता है, ये गोलकनाथ विवाद बनाम पंजाब ऑफ स्टेट में जो है गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में जो है विकल्प संख्या बी यहाँ पर सही होगा, ये पूर्व वाले ही क्वेश्चन से जुड़ा हुआ प्रश्न यहाँ पर दिखाई पड़ता है। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, वाद योम उस वाद में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए, इंदिरा साहनी विवाद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो चिकनी प्रति यानी कि जिसको हम क्रिमिलियर कहते हैं जिसके संदर्भ में समय समय पर जो है सरकार केंद्र सरकार के द्वारा एक निश्चित आय को जो है शामिल किया जाता है, तो यहाँ पर वाद योम उस वाद में जो है उच्चतम न्यायालय के त्रुटिपूर्ण युग्म की जो व्यवस्था की गई है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान इसी सवाल को विशाखा गाइडलाइन कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के संदर्भ में ये भी सही है, मेनका गांधी 14-19 और प्रस्कोप को अपवर्जी नहीं है, कहने का मतलब 21, 14 और 19 में जो प्रावधान है एक साथ उसको दिया जा सकता है, इसमें कोई विरोध नहीं उत्पन्न होगा, बेलाजी मनर्जी विदेश यात्रा का अधिकार दैहिक स्वतंत्रता का भाग है, विदेश यात्रा ये मेनका गांधी ही विवाद में जो है व्याख्यात किया गया, अर्थात ये विकल्प यहाँ पर जो है गलत होगा, युग्म जो त्रुटिपूर्ण युग्म की बात कहा गया है और त्रुटिपूर्ण ये है तो अर्थात यही उत्तर जो है इसका सही होगा, यहाँ पर अगर नहीं पूछे और त्रुटिपूर्ण पूछे तो दोनों में वही जो गलत होगा वही इसका सही उत्तर होगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है, तो अपीलीय क्षेत्राधिकार 132 में है लेकिन 134 ए के अंतर्गत इसमें जो है अनुमति मिलता है, तो यहाँ पर विकल्प संख्या डी 134 ए को मिलाकर इसमें 33 है, हम ये देखेंगे 134 और 132 विकल्प संख्या सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं, संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं इसके अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो है लाए जा सकते हैं, क्योंकि ये उच्च न्यायालय में भी प्रस्तुत किया जा सकता है इसलिए ये जो है अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो है लाए जा सकते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि इनमें से कौन एक सही है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि इनमें से कौन सा एक सही है, सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल क्षेत्राधिकार रखता है, सर्वोच्च न्यायालय मूल एवं अपीलीय रखता है या केवल परामर्शी अपीलीय रखता है, ये मूल अपीलीय और परामर्शी ये तीनों रखता है, तो इसलिए विकल्प संख्या डी यहाँ पर सही उत्तर होगा।
भारत में सुधारात्मक याचिका, सुधारात्मक याचिका आर्टिकल 142 में एक फैक्टुअल क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस में 2014 में पूछा गया है, तो विकल्प संख्या सी। ऐसे भी कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद को जो है पढ़ने समझने याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से सवाल जो है पूछे जाते हैं। और अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा दिए गए निर्णय और आदेश के पुनरावलोकन के लिए अधिकृत करता है। ये तो अनुच्छेद 137 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के लिए व्यवस्था की गई है कि वो समीक्षा करता है स्वयं अपने द्वारा दिए गए निर्णय की, तो अनुच्छेद 137 में इस तरीके की जो बात कही गई है। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश के पुनर्विलोकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय और दिए गए आदेश के बारे में, भारत के राष्ट्रपति को ऐसे निर्णय या आदेश के पुनर्विलोकन का अधिकार प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय द्वारा अब सुनाए गए निर्णय दिए गए आदेश के पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है। मंत्रिमंडल को भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से उच्चतम न्यायालय नहीं, उच्चतम न्यायालय को अपने निर्णय या आदेश के पुनर्विलोकन की शक्ति जो है प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय को अपने निर्णय या आदेश के पुनर्विलोकन का अधिकार नहीं है। यहाँ पर विकल्प संख्या जो है बी सही होगा, जिसमें यह व्यवस्था किया गया है कि उच्चतम न्यायालय स्वयं अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय के जो विरुद्ध जो है वो उसका पुनर्विलोकन कर सकता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय के विरुद्ध में आर्टिकल 137 के अंतर्गत ये व्यवस्था है, तो विकल्प संख्या बी यहाँ पर सही उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं है इसलिए गलत हो जाएगा। अगला है न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय सभी प्रकरणों पर अंतिम अधिकार, राष्ट्रपति के जो है दोषारोपण कर सकता है, उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णित प्रकरणों की जांच कर सकता है, राज्य के किसी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। ये सही उत्तर विकल्प संख्या डी है, क्योंकि न्यायिक पुनरावलोकन के संदर्भ में भी ये व्यवस्था की गई है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को ये शक्तियाँ जो प्रदान की गई है कि वो संसद या राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए गए जो है कानून को मौलिक अधिकार या संविधान के प्रावधानों के संदर्भ में समीक्षा करता है, और यदि वह संविधान की व्यवस्थाओं के संगत नहीं पाता है तो उन प्रावधानों को या चाहे केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय को उस सीमा तक शून्य घोषित कर सकता है जहां तक वह संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध आता है। तो ऐसी स्थिति में वो इसके अंतर्गत राज्य के कानून को अवैध भी घोषित कर सकता है। तो इस तरीके से विकल्प संख्या डी यहाँ पर सही उत्तर होगा, न्यायिक पुनरावलोकन प्रचलित है। न्यायिक पुनरावलोकन प्रचलित तो जो है अगर देखा जाए तो भारत और यूएसए दोनों में है, यद्यपि न्यायिक पुनरावलोकन की जो व्यवस्था है वो भारत और यूएसए दोनों की व्यवस्था है, क्योंकि इसीलिए भारत और उच्च न्यायालय, अगर उच्चतम न्यायालय की बात की जाए तो भारत और यूएसए के उच्चतम न्यायालय दुनिया में एक मजबूत उच्चतम न्यायालय में आते हैं, यद्यपि यूएसए का उच्चतम न्यायालय कि सर्वोच्च उच्चतम न्यायालय था, क्योंकि उसे जो है विधि की उचित प्रक्रिया के अनुसार जो है व्याख्या करने का जो है प्रावधान है, जो उचित है उसके अनुसार वो निर्णय ले सकता है। अगले सवाल, भारत संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों के द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित फैक्चुअल क्वेश्चन का उत्तर 122 के अंतर्गत इस तरीके का जो प्रावधान किया गया है, जिसमें जो है बताया गया है कि संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित कर दिया जाता है। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह वर्तमान द्विस्तरीय संघीय व्यवस्था के स्थान पर त्रिस्तरीय व्यवस्था, विधि के समक्ष समता के अधिकार को भाग तीन से हटा करके कहीं अन्यत्र जो है रखता है, कार्यकारिणी की संसदीय व्यवस्था के स्थान अध्यक्षात्मक सर्वोच्च न्यायालय के भार को कम करने के लिए, तो विकल्प संख्या यहाँ पर बी जो है इसका सही उत्तर होगा। आईएसपी 2009 में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगले सवाल पर हम आते हैं कि संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है वैधिक प्रक्रिया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया विधि का साधन दृष्टांतियों में भविष्य में, यद्यपि न्यायिक पुनरावलोकन का जो प्रावधान है वो विधि की स्थापित प्रक्रिया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है और विधि का शासन दोनों ही सही इसमें है, और जो अमेरिका की जो व्यवस्था है वो विधि की जो है उचित प्रक्रिया होता है जैसा कि पूर्व में बताया गया, और यहाँ पर ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया भी होता है, और जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया होगा वही विधि का शासन हो जाएगा, तो विकल्प यहाँ पर दोनों ही जो है सही हैं, यद्यपि यहाँ पर विकल्प संख्या सी जो है ज़्यादा सही प्रतीत दिखाई पड़ता है, तो विकल्प संख्या सी को ही यहाँ लगाया जाएगा, क्योंकि विधि का शासन एक व्यापक आधार जो है प्रदान करता है।
निम्नलिखित में से कौन संविधान का अभिरक्षक है, कस्टोडियन जिसको कहा गया, कस्टोडियन अभिरक्षक है, तो ये तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय ही इस विकल्प के अनुसार सही उत्तर होगा, क्योंकि वही संविधान की व्याख्या कर सकता है और किसी उल्लंघन के संदर्भ में जो है नियम को अवैध बना सकता है। उच्चतम न्यायालय, अगले सवाल पर हम आएंगे, उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर किसको परामर्श लेने का अधिकार है, ये तो आर्टिकल 143 के जो है अंतर्गत, 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति को है कि विधि से संबंधित कोई सार्वान प्रश्न अगर सार्वजनिक महत्व का कोई है तो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने की जो है शक्ति संसद को जो है प्रदान की गई है। संघीय सूची आर्टिकल 138 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है और इसके अंतर्गत संसद को यह शक्ति जो है दी गई है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं कि उच्चतम न्यायालय की परामर्शी अधिकारिता के संदर्भ में कौन से कथन सही है, पूछा है। उच्चतम न्यायालय या बाध्यकारी के राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित मतभेद करे, नहीं, कोई बाध्यकारी ना तो राष्ट्रपति सरकार के लिए है और ना ही सुप्रीम कोर्ट के लिए है कि वो उसकी बात को माने। यद्यपि इसको हम लोगों ने लेक्चर, वीडियो लेक्चर में पूरा जो लिया हुआ है वहाँ पे एकदम स्पष्ट है। अगला सवाल है कि परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ ही सुनवाई करती है। सही बात है, परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देश पर व्यक्त किया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता है, एकदम सही है। उच्चतम न्यायालय को उसकी परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन केवल एक बार में एक ही निर्देश, ये कोई जरूरी नहीं है, अर्थात इसमें जो है विकल्प संख्या 2 और 3 यानी कि विकल्प संख्या सी इसमें जो है सही उत्तर होगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी अधिकार से प्रयुक्त होता है कि वह सार्वजनिक महत्व के कानूनी या तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है, सभी संवैधानिक मामलों में भारत सरकार को परामर्श दे सकता है, विधि मामलों में प्रधानमंत्री को दे सकता है, उपयुक्त सभी व्यक्तियों को परामर्श नहीं, केवल राष्ट्रपति के संदर्भ में व्यवस्था है। सार्वजनिक महत्व के जो है यदि कोई प्रश्न उत्पन्न होते जिसमें विधि या तथ्य का कोई सार्वान प्रश्न अंतर्निहित होता है तो वहाँ पर राष्ट्रपति परामर्श ले सकता है। अगला सवाल है, भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है अपनी पहल पर, नहीं, तभी जब वह ऐसा परामर्श के लिए कहता है, क्योंकि दोनों ही संदर्भों में ये व्यवस्थाएं हैं कि ना राष्ट्रपति देने के लिए बाध्य है और ना ही सरकार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए जो आदेश को पूर्णतया मानने के लिए बाध्य है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया है, 36, 26, 27 दोनों में, 45 में नहीं है, इसमें सूची और शक्तियों के विभाजन इत्यादि की बात की गई है, तो 1, 2, 3 विकल्प संख्या ए यहाँ पर सही होगा। 32 के अंतर्गत जो है 5 रिटें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इसी तरीके से 226 में हाई कोर्ट के द्वारा और 227 में जो है अधीनस्थ न्यायालय के अधीक्षण की जो व्यवस्था की गई है, तो इस तरीके से ये जो है प्रावधान यहाँ पर जो है स्पष्ट होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के जो है किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है, आर्टिकल 32, इसमें कोई तो विवाद ही नहीं है, कई बार क्वेश्चन परीक्षा में अब तक जो है पूछा जा चुका है। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष का एडवोकेट, यहाँ पर 10 वर्ष है, 10 वर्ष उसे एडवोकेट होना चाहिए, या जो है वो 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो, या राष्ट्रपति के मत में वो विधि का पारंगत जानकार हो, तो तीनों ही स्थिति में किया जा सकता है और साथ में वो भारत का नागरिक भी होना चाहिए। तो यहाँ पे 10 वर्ष की जो व्यवस्था बनाया गया है एडवोकेट के लिए। अगला सवाल है कि मैं भारतीय संविधान के प्रति सच्ची विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूंगा, भारत की संप्रभुता अखंडता को बनाए रखूंगा, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा, संविधान और कानून की रक्षा, ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जो शपथ लिया जाता है इस तरीके का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं, जाहिर सी बात है कि मौलिक अधिकारों का जो प्रवर्तन, ये जो प्रारंभिक समोर्ती अधिकार है कि ये हाई कोर्ट
और सुप्रीम कोर्ट क्रमशः 226 और 32 के अंतर्गत रिट जारी कर सकता है। अगला सवाल है कि देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार, ये सर्वोच्च न्यायालय के पास जो है अनुच्छेद 139 का के अंतर्गत जो दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय को ऐसी शक्तियाँ जो है प्राप्त हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद भारत के उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को विस्तारित नहीं कर सकती क्योंकि उसकी अधिकारिता वही जो संविधान नहीं है, आर्टिकल 138 के अंतर्गत ऐसा किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक संबद्ध मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा किए जाते हैं और न्यायालय का प्रशासनिक व्यय भारत की संचित नीति पर नहीं, यहाँ पर उच्च न्यायालय की भी बात कही गई है तो उच्च न्यायालय का जो भार है वो राज्य की संचित नीति पर होता है, भारत की संचित नीति पर नहीं, अर्थात यहाँ पर दोनों ही वाक्य जो है गलत हैं। अक्सर इस तरीके के सवाल PCS IAS के जो है प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाते हैं जहाँ दोनों ही दोनों वाक्य जो है वो गलत देता है, तो ये ट्रेंड खैर उस 2005 के आसपास था और देखिए 2005 में भी ये सवाल पूछा भी गया है। तो अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे का सिद्धांत यानी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1973 ईस्वी में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद में किया गया, ये न्यायिक व्याख्या का जो विषय है और इसी के अंतर्गत इसमें निर्णय आया हुआ था। अगला सवाल है भारत के सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय, अभिलेख न्यायालय को हम लोगों ने जो है बताया हुआ था 129 के अंतर्गत ये व्यवस्था है और अनुच्छेद 215 के अंतर्गत हाई कोर्ट में भी यह व्यवस्था किया गया है कि दोनों ही अभिलेख न्यायालय के रूप में काम करेंगे। अभिलेख न्यायालय के रूप में यह व्यवस्था है कि सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय दोनों को ये अधिकार प्राप्त है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय अपने द्वारा दिए गए आदेश की उल्लंघन करने वाले लोगों के लिए अवमानना मानते हुए उस पर दंड दे सकते हैं और साथ ही सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को जो है साक्ष्य के रूप में रखा जाएगा और किसी भी प्रकार के जो है मामले में जो है जो कि उसी भी प्रकार और उसी नेचर से जुड़ा हुआ है प्रस्तुत करने पर उसकी विधिमान्यता पर कोई सवाल नहीं किया जाएगा, तो ये व्यवस्था होती है अभिलेख न्यायालय। तो यहाँ पर चूंकि दो विकल्प दिखाई पड़ रहे हैं बी में भी और जो है सी में, दोनों में ये व्यवस्थाएं दिखाई दे रही हैं, था दोनों ही विकल्प यहाँ पर सही हैं। अगर कूट गया जो है इस तरीके के होता जिसमें हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम कई विकल्पों का चयन करते तो बी और सी दोनों सही होता, लेकिन रिकॉर्ड की बात है तो बेसिकली रिकॉर्ड से अगर संबंधित ज़्यादा चीज़ें हैं तो साक्षात्मक मूल्य के रूप में होता है क्योंकि जब किसी कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे तो हम उसे पेपर फॉर्मेट में ही प्रस्तुत करेंगे रिकॉर्ड के रूप में, तो यहाँ पर विकल्प संख्या बी ही इसका सही उत्तर होगा और लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने भी अपने उत्तर में इसे यहाँ पर बी को ही सही माना है। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि भारत के नीचे दिए गए जो न्यायालयों में से किसे और किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है, भारत के नीचे दिए गए जो न्यायालयों में से किसे और किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है, तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की व्यवस्था जैसा कि अभी हमने बताया कि 129 और 215 के अंतर्गत इस तरीके की व्यवस्था की गई है। अगले सवाल की तरफ हम लोग जो है बढ़ते हैं, उच्चतम न्यायालय की सुनवाई नई दिल्ली में करता है परंतु अन्य किसी स्थान पर जो किया जा सकता है, ये तो राष्ट्रपति के जो है अनुमोदन के जो है माध्यम से ही इस तरीके का जो है निर्णय लिया जा सकता है और कि उसे कहीं अन्यत्र भी जो है सुनवाई के लिए बुलाया जा सकता है। अगले सवाल की तरफ हम लोग जो है बढ़ते हैं, जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा जो है की गई है, न्यायिक पहल के द्वारा जो है बेसिकली 80 के दशक में की गई न्यायमूर्ति PN भगवती और न्यायमूर्ति BR कृष्णा अय्यर के द्वारा जो इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि जनहित याचिका PIL कहाँ पर प्रस्तुत की जा सकती है, जनहित याचिकाएँ जो है बेसिकली उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों में भी जो है लाई जा सकती हैं जिस तरीके से अभिलेख न्यायालय दोनों जो है होते हैं, तो PIL दोनों में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। ये सार्वजनिक महत्व के संदर्भ में जो है कोई व्यक्ति जो है या कोई संगठन इस तरीके का जो है मामला वहाँ पर प्रस्तुत करता है। PIL का पूरा नाम जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि जनहित याचिका इसे कहा जाता है। अगला सवाल है कि लोकहितवाद के मुकदमे की उद्गम कहाँ पे हुआ, उद्गम अगर देखा जाए तो यह जो है USA में हुआ है क्योंकि वहाँ पे न्यायालय की शक्ति अधिकतम है, वो उचित जो समझता है उस पर जो है वो अपना निर्णय देता है, तो ऐसी स्थिति में जो लोकहितवाद से संबंधित मामले तो सबसे पहले USA में ही जो है प्रस्तुत किए गए थे। अब ये कह रहा है कि भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है, न्यायिक सक्रियता वही जनहितवाद याचिका से ही संबंधित है, जनहित याचिका यानी कि जनता के हित से संबंधित जो याचिका प्रस्तुत किए जाएंगे और उस पर कोर्ट जो है एक
व्यवस्था के तहत आगे बढ़ करके निर्णय देता है। और ऐसा मानता है कि यदि कार्यपालिका अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वाह नहीं कर रहा है और इसे जनहित प्रभावित हो रहा है तो ऐसी स्थिति में कोर्ट वहाँ पर पहल करेगा और इसके आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट की आलोचना भी कभी कभार किया जाता रहा है। अगला सवाल है कि किस कानून के अंतर्गत ये विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। तो ये तो एक तथ्यात्मक क्वेश्चन है। आर्टिकल 348 के अंतर्गत भाषा से संबंधित जहाँ प्रावधान किए गए हैं वहीं पर यह व्यवस्था की गई कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के अंतर्गत जो कार्यवाहियाँ उच्चतम न्यायालय की होंगी वो अंग्रेजी भाषा में जो किया जाएगा। तो आज के इस लेक्चर में सर्वोच्च न्यायालय या भारत के उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में विभिन्न प्रकार की सिविल सेवाओं से संबंधित परीक्षाओं में जो सवाल पूछे गए हैं उसको हम लोगों ने हल करके ये देखने का प्रयास किया कि इसके पूर्व में जो हमने सिविल सेवाओं के पाठ्यक्रम पर आधारित इस टॉपिक पर दो लेक्चर अपलोड किए थे उनके अध्ययन के बाद यहाँ पर ज़्यादातर सवाल हल होते हुए नज़र आ रहे थे। तो जो भी कुछ सवाल और अन्य भी दायरे से जो बन सकते थे उसको हम लोगों ने हल किया। तो आप अगर वीडियो लेक्चर के साथ साथ में जो है इस पूरे क्वेश्चन को जो है दोहराते हैं तो आने वाले जो है परीक्षाओं में आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। पुनः हम उच्चतम न्यायालय के बाद अगला टॉपिक जो है उच्च न्यायालय जो कि वीडियो लेक्चर अपलोड किए जा चुके हैं और यहाँ से जो पूछे गए सवालों को भी हल करेंगे और उसका जो है लेक्चर आप लोगों को उपलब्ध करवाएंगे। तो आप इसका अध्ययन करते रहिए और आपके लिए अगले लेक्चर में अगले टॉपिक पर हम मैटर को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।